बागराकोट के ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, क्या मस्त वाला रास्ता है। ये चेक करें एसबीआई का एटीएम में ऑफलाइन। विंटर के टाइम पे ऑफ रोडिंग के लिए जाते थे वहाँ से रिटर्न देंगे। सोचिए यहाँ पे पेट्रोल भरने आएंगे तो आपको उल्टा पैसे मिल जाता है गाइस। हेलो नमस्ते, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज केडी लॉगिंग इन अ न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है आज का नया एपिसोड में। तो चलिए आज का जो व्लॉग है करते हैं यहाँ से शुरू। तो एक्चुअली गाइस अभी ऐसा सीन है कि मैं जा रहा हूँ उतलावाड़ी गाड़ी के सर्विस कराने, गाड़ी का थोड़ा पार्ट्स वगैरह चेंज कराना है। तो ये सामान जो देख रहे हैं इसमें गाड़ी का सामान है और ये अपना फ़ोन हो गया और ये गाड़ी की चाबी। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको ये व्लॉग में दिख जाएगा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो गाड़ी का हालत ऐसा है, बहुत ही कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी बहुत ही एकदम ही गंदा है भाई, कुछ भी साफ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया हो। गाइस आपको मिलते हैं सीधा बाहर निकलने के बाद, तो आप जुड़े रहिए देखिएगा ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग है अभी बागराकोट के रास्ते में और मेरा साथ आज जुड़ा हुआ है अपना भाई गिदोन। तो आज मतलब वीडियोग्राफी सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह आज हमारे भाई निकालेंगे। बागराकोट के ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, क्या मस्त वाला रास्ता है। जोक्स अपार्ट मजाक है, एक्चुअली यहाँ का रास्ता का हालत ऐसा है गाइस, और बनाने वाला आदमी कोई भी नहीं है। अगर मैं यहाँ का कोई बड़ा आदमी होता ना तो सही में ये बागराकोट का रोड सबसे पहले मैं बनाता था। इस पहले तो हम लोग को रुकना है एटीएम पे, कैश लेना है क्योंकि जहाँ पे हम लोग गाड़ी बनाने जा रहे हैं वहाँ पे क्यूआर कोड पेटीएम का या फिर गूगल पे का क्यूआर कोड नहीं चलता है। तो ऐसा करते हैं गाइस, हम लोग जाते हैं एटीएम में, एटीएम से थोड़ा पैसे निकालते हैं, उसके बाद लग जाते हैं फिर सीधा उतलावाड़ी के तरफ। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एटीएम और एटीएम में हालत देखिए गाइस, चेक करें ऑफलाइन। ये चेक करे गाइस, ये चेक करे एसबीआई का एटीएम में ऑफलाइन। तो यहाँ से भी पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा सीधा उतलावाड़ी, उतलावाड़ी से निकालेंगे पैसे, वहीं का एटीएम जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम पहुँचे थे बागराकोट मीना मोड़ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला सीन हो गया गाइस, ट्रेन का गेट लगा हुआ है और ट्रेन आ रहा है। हमारे ड्राइवर साहब भी बाय बाय कर दो उसको भी। तो ट्रेन जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आज हमारे साथ एक भाई भी, हमारे भाई देवू भाई। हेलो। तो वो भी आज उतलावाड़ी जा रहे थे तो सोचा कि क्यों ना साथ में जाए। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. यहाँ का नजारा आपको चेक कराते गाइस। ये चेक करे गाइस, वो जो नीचे आप दो होल देख रहे हैं नीचे जहाँ से पानी बहते हुए आ रहा है, विंटर के टाइम पे ऑफ रोडिंग के लिए जाते थे वहाँ से, यहाँ पे साफ कर दिया और पानी जाने के लिए थोड़ा सा जगह तो बड़ा बन गया है। और यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा था कि यहाँ का बच्चे लोग थोड़ा बहुत मच्छी वच्छी मार रहा था, तो आपको दिखाएंगे वो लोग, वो लोग का बस कितना बड़ा बड़ा मछली भाई है। तुम्हारे पास मछली देखो एक बार दिखाओ। ओ गाइस ये मच्छी चेक करे गाइस, ये चेक करे भाई, इतना बड़ा बड़ा मच्छी है भाई, ऐसा करे खालो खालो। यहाँ पे भी एक भाई मच्छी मारते हुए, ये वाला एरिया चेक करे गाइस, क्या ही मस्त यहाँ का नजारा, क्या ही मस्त रहता है। और ऊपर में बादल मस्त वाला दिख रहा है सीन, और ये वाला लाल लाल वाला जो क्लाउड वगैरह है वो चेक करे गाइस। तो अभी ऐसा करते हैं गाइस, यहाँ से हम लोग निकलते हैं उतलावाड़ी की तरफ, पेट्रोल भी भराना है क्योंकि कल मुझे जाना है सिलीगुड़ी। और गाइस चेक करें, दिस इज दिस पूल, और उस तरफ देखिए गाइस एक नदी है। आप लोग ये बताना था कि 2006-07 में ये वाला जो आप लोग रोड देख रहे हैं, ये रोड और यहाँ का एरिया फ्लड आने की वजह से पूरा खत्म हो गया था गाइस, कुछ भी दिखने का लायक भी कुछ भी नहीं था गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले उतलावाड़ी, और उससे पहले हम लोग करेंगे अपने गाड़ी में फ्यूल अप। और ये जो राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं इंडियन ऑयल, कभी भी मतलब सिलीगुड़ी ट्रैवल करते हैं या फिर उतलावाड़ी डुवर्स काम पर भी जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल फिलअप करने के लिए यहीं पे आते हैं। और आज हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं 1000 रुपये का, हमारे भाई की तरफ से ना 1000 रुपये आप मुझे देंगे ना रिटर्न। हाँ भाई हमको 1000 रुपये रिटर्न देंगे। सोचिए यहाँ पे पेट्रोल भरने आएंगे तो आपको उल्टा पैसे मिल जाता है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग ने पेट्रोल भरा लिया, और पेट्रोल भराने का रिसीट आप लोग चेक कर सकते हैं।
पेट्रोल तो भरा लिया लेकिन हम लोग को देखिए कितना पैसे मिला। ये पैसे भी मिल गया गाइस। अब ये पैसे से हम लोग करेंगे अपना गाड़ी को सर्विसिंग। क्या बोलते हो गाइस? तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उदलाबाड़ी के मेन ट्रैफिक और ये आप चेक कर सकते हैं। हम लोग आए थे इस तरफ से लेकिन थोड़ा बहुत काम था गाड़ी का जो टायर के बारे में पूछा था। लेफ्ट जाएंगे इस तरफ तो आप जाएंगे सीधा माल बाजार की तरफ और ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ से जाते हैं सीधा सिलीगुड़ी और इसी रास्ते से आप सिलीगुड़ी भी जा सकते हैं चड्डूपा जो कि बोलते हैं तिस्टा बैरेज। और इसी रास्ते में हम लोग का जो गाड़ी बनाते हैं सर्विस करते हैं तो इसी यही रास्ता से हमको जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पवन भैया की दुकान में और ये देखिए पवन भैया आई तो कर दो। और ये हमारे पवन भैया वर्षों से सालों से गाड़ी का सर्विसिंग करते आए हैं तो आज जो भी मेरा गाड़ी का काम है हमारे पवन भैया करेंगे। तो ऐसा करते गाइस अभी वो दूसरा गाड़ी पे थोड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग चाय का ब्रेक लेंगे, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी आ चुका है हमारे चाय। चलिए एक चाय की चुस्की तो बनता ही है। चीयर्स गाइस। नामी बवाल मस्त है भाई। चाय तो एकदम चाय बोले। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे आके चाय और समोसे भी लिए थे। समोसे इतना मस्त वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा था। भैया आप ही है ना ओनर यहाँ का? और यहाँ पे हमारा भाई ओनर जो कि मतलब इतना अच्छा से समोसा वगैरह बना के खिलाया हम लोग को। चाय तो कितना मस्त था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे पवन भाई के शॉप में और हमारे भैया लग चुके हैं काम पे। और हमारे भैया ने ये जो गाड़ी का अंदर का जो आर्म रहता है और ये जो अभी ये निकाल रही है रबर, इसका हालत देखिए गाइस कैसा हो चुका है। ये देखिए गाइस जो जो पार्ट इसका गया हुआ है वो पूरा चेंज करेंगे हमारे पवन भैया। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं ये लेके आए थे हम लोग ने कल, तो ये बूस वगैरह चेंज करना पड़ेगा। और हमारे पवन भैया बहुत ही मशक्कत करते हुए बूस जो चेंज करने के लिए आए थे वो चेंज तो हो चुका है। अभी फिटिंग फिर से हमारे पवन भाई नट वगैरह निकाला था वो लगा रहे। और हमारे पवन भाई का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म है ना गाइस तो उनका पूरा मुंह से पसीना टपक रहा है गाइस। ऐसा कीजिए गाइस एक दो जो गाड़ी का सिनेमैटिक शॉट है आपको दिखाऊंगा वो चेक करेगा गाइस। और हमारे भैया बहुत ही मेहनत करते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत मेहनत करके जो भी मतलब ऐसा गाड़ी वगैरह बनाते हैं उनके पास जाइए क्योंकि वो लोग गाड़ी को ना बारीक तरीके से चेक करते हैं। गाड़ी को छोटा छोटा जो भी प्रॉब्लम रहता है गाड़ी में वो सब ठीक करने के लिए वो लोग बैठा हुआ है। तो गाइस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी मतलब गाड़ी वगैरह बनाते ऐसे ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टोर में नहीं छोटे छोटे स्टोर में भी आप जाके बना सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं गाइस बड़े बड़े दुकान में जाते हैं बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं बड़े बड़े जगह में जाके अपना गाड़ी को बनाते हैं लेकिन ऐसे छोटे छोटे में भी एक बार ट्राई करके देखो गाइस इसका दिल एकदम सेटिस्फाई हो जाता है गाइस। आपको सिनेमैटिक शॉट तो पसंद आया होगा होप करता हूँ। तो गाइस गाड़ी का जो काम था मतलब बूस वगैरह चेंज करना था वो भी कम्प्लीट हो गया है। आते भैया कब हो गया? ठीक है थैंक यू सो मच। गाड़ी का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँचने के बाद। सी यू गाइस। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं घर। बहुत दिन भर इतना डेंजर काम था भाई गाड़ी को बनाना गाड़ी का जो भी काम वगैरह था पूरा कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी को पार्क कर दिया है। आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना और ऐसा ही लाइक और शेयर करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं लेके आता हूँ बढ़िया बढ़िया सा कॉन्टेंट। दिस इज क्रेजी ड्रामर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए दस विद्यानिया राइड सेफ ड्राइव सेफ एंड पीस आउट।